गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक होंगे और मैं हूँ ममता विश्वकर्मा। मेरे चैनल का नाम है ममता विश्वकर्मा व्लॉग्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे मैं हम लोग सब लोग सो के उठ चुके हैं। उठने के बाद तुरंत मैंने लगा ली मेहंदी, क्योंकि रात में ना कविता भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और इसके लिए फिर मैंने बोला आप मुझे सुबह ही लगा दो, और सच में बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। तो इस तरीके से कविता ने लगाया मेहंदी। और यहाँ पे अभी भी मेहंदी का डिज़ाइन चल ही रहा है, क्योंकि कविता ने सिर्फ गोल्डी को और भाभी को ही लगाया। सॉफ्टी और मेरा हाथ ऐसे ही रह गया था, तो सॉफ्टी अभी लगा रही है और मैंने लगा के और मेहंदी निकाल भी दिया, क्योंकि सूख गया तो मैंने निकाल दिया। क्योंकि मेरे बच्चे ने नहाने धोने चले गए, तो उनके कपड़े वगैरह देना था, क्योंकि उन लोगों की आदत है सुबह ही अगर उठ गए ना तो तुरंत ब्रश करके नहाना धोना। तो मयंक नहाए और मयंक श्रेयांश को भी नहला के कपड़ा वगैरह पहना दिया। तो देखिए, ये मैंने लिया था रक्षाबंधन को दोनों को कपड़ा, और बहुत अच्छे दाम पे मुझे मिल गया। कपड़े की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर श्रेयांश को मुझे ऐसा लग रहा था जीन्स पहनाने के लिए, पर मैं उसको ज़्यादा ना शॉर्ट, क्योंकि वो जीन्स पहनता नहीं, उसको जीन्स ना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। 1 घंटा पहने का बोलेगा मम्मी निकाल दो निकाल दो। मुझे जीन्स में ऐसा लगता है बच्चे ना कंफर्टेबल अपने आप को नहीं महसूस करते। इसके लिए मैं उसे शॉर्ट ही लेके आई थी, वही पहनाई हूँ। और यहाँ पे मेहंदी का डिज़ाइन आप बता देना कैसा लगा है दोनों हाथ में। पर कविता को मैंने बोला मुझे पीछे भी चाहिए, आगे से तो लग रहा है पर पीछे से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने मेहंदी लगाई। और भाभी ने बहुत अच्छे से अपना बालकनी ना बहुत अच्छे से पूरा सजा के रखी, और जो प्लेट में दिख रहा है ना महादेव की पिंडी वहाँ पे रखी है भाभी। और बहुत अच्छे से यहाँ पे पूजा पाठ अच्छे से हो जाता है महादेव का भी। और यहाँ पे कविता सॉफ्टी को लगा रही है और मोनू यहाँ पे बैठा है। और अभी नाश्ता वगैरह सब आ चुका है, बस करना ही है। एक ये डिज़ाइन निकाला है और एक ये अभी निकाल रही है। मेरे टाइम इसको कुछ डिज़ाइन ही नहीं सूझता है ना, है ना? बोलिए कुछ बोलना चाहेंगी आप? मेरे टाइम आपको डिज़ाइन नहीं सूझता है? सॉफ्टी तूने मुझे दिखाया ना डिज़ाइन, इसने मुझे डिज़ाइन दिखाया तो मैंने निकाला। इसने पहले से कल से ये लेके बैठी थी ये वाला डिज़ाइन निकाला। हाँ तो मैं भी बोल रही थी जो सॉफ्टी बोल रही है वो मुझे भी लगाना है, पर आपको मुझे लगाना ही नहीं है। आप पे पूरा फोकस हो रहा है, आप बता सकते हैं मुझे कि क्यों नहीं लगाना चाहती? अरे तो मेरे को सॉफ्टी ने डिज़ाइन निकाल के ऑलरेडी बताया था कि बुआ मुझे यही निकालना है। तो मैंने भी यही चीज बोला था, जो सॉफ्टी बोल रही है वो मुझे भी लगा। सॉफ्टी बुआ के बाद बोला ना, बुआ के बाद निकाल रही हूँ ना। रात को क्या बात हुई थी सॉफ्टी? तो सॉफ्टी ने मेरे को 3-4 डिजाइन दिखाया था रात को, बट उसने अभी ये फाइनल किया कि बुआ यही निकाल लो, तो मैंने यही निकाला। और देखिए कितना ईजी है और कितना सुंदर लग रहा है। नो नो नो, अब कुछ नहीं निकालना है। अब बताओ इस हाथ पे मैं नेल पेंट लगाऊंगी कैसा लगेगा? जैसा लग रहा मैंने कुछ लगाया ही नहीं है। तो मैं निकाल देती हूँ ऐसा फटाफट, कोई बात नहीं। नो नो, अभी मुझे मेहंदी का, मैं दिन भर मेहंदी लेके बैठूंगी, देख लो जैसे लग रहा पीछे मेहंदी लगाई हूँ। चलो कोई बात नहीं है। तो बबीता आ चुकी है, मैंने बोला लोगों की बबीता आ चुकी है। एक कविता अभी आई और देखिए आते ही नल खराब कर देते। ये कौन बोल रहा पता नहीं। हाय हेलो फ्रेंड्स। आते ही घर में जैसी आई से नल खराब कर दिया, देख लो क्या कर दी। मैजिकल नल नल खराब कर दी, देख आते ही। हाँ जैसी आई खा के हाथ धो रही, नल खराब कर दी। कविता बन की थी मुझसे, बन गई। बता ना आना बहन। बस मेरी बहन है और इसको देखो बस खाती रहती, अपना बना रही और खा रही अच्छे से। उसने ए बच्चा कुछ हो हट शर्मा शर्मा। अभी मैंने बोला कि हमको थोड़ा सा दे दो, शेयर कर दो, बट बोली नहीं तो नाश्ता करके आया तो नहीं दूंगी। और वो तब से ठूस रही ठूस। और एक बाइट भी नहीं टेस्ट कराई कि मैंने बनाया कैसे। नहीं चाहिए अभी, बड़ा ब्रेड दी रहती तो समझ लिया। तो अभी नहीं चाहिए मुझे, अच्छा चाहिए था। खा लेना अभी, दे मैंने दो ही बनाया यार। खा ले, ठीक बना चीज वगैरह बहुत अच्छे से। पर वही तू ज्यादा बनाई होती तो नहीं तो चलिए मैं नल बंद कर देती हूँ। पकड़ना बाहुबली, हमारी बाहुबली। ए बाबा मैंने खोल।
अरे भैया को बोलना बनाने के लिए उसको। मैं ऐसी पतली हो जाऊंगी। तो मैं अभी मैक्सी में अभी भाभी का मैक्सी पहन के घूम रही हूँ क्योंकि पुलाव बनाना है। मेरे हाथ का पुलाव कैसा लगता है? मैंने खाया ही नहीं अभी तक। कविता फर्स्ट टाइम खाएगी क्योंकि कविता वैसे आती जाती नहीं है हमारे साथ ज्यादा। हाँ ये मेंशन कर, मैं आती नहीं हूँ ज्यादा। हाँ नहीं आई हूँ मैं, नहीं मेरे ख्याल से मैं हॉलीडे में भी नहीं आई। नहीं मैं कब तक लगता है मैं पिछले रक्षाबंधन बंधन में आई है। हाँ डायरेक्टली ईस्ट रक्षाबंधन में मैं आ रही हूँ। तो इन्होंने खाया नहीं है पर मैं अब बनाने जा रही हूँ। देख सकते कितना बड़ा कुकर। बहुत लोगों को मिर्ची लगती है कि मैं आती जाती रहती, मैं आती जाती रहती हूँ। बिल्कुल नहीं, देखा इतने दिन आने के बाद यही स्वागत होता है। ये तेरे लिए लाई, वो मेरे लिए लाई ना। पर इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा दिया। तू तो अच्छा पहन सकती है। मैं पता है इसने बोला था कि हम साड़ी पहनेंगे, मैंने बोला ओके मैं साड़ी लेके आई, मैंने ड्रेस नहीं लेके आई। ओके नया कपड़ा ओके यार तेरा अच्छा है पर मतलब मेरा क्या बोलने का मतलब है कि जब साड़ी का प्लान बना था तो साड़ी पहनना चाहिए। कोई बात नहीं मैं पहनूंगी साड़ी क्योंकि मैंने साड़ी लाई, मैं ड्रेस नहीं लाई। अब बबीता ये पहन रही है, अब बताना प्लीज रक्षाबंधन में ऐसे कोई पहनता है क्या? सिंपल क्या खराबी व्हाइट कलर टी शर्ट हटना, लेगिंग्स दिखा दे दो। और ये लेगिंग्स है और इस पे दुपट्टा है जो दीदी लिए, तो बहुत सिंपल सा लुक है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप मेरे फेस से पता कर सकते हो तो पता कर लीजिए। ऐसे तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है बहुत। नहीं मेरी तबीयत बहुत ज्यादा क्योंकि कल ना पूजे में गई थी, पूरा दिन उसी में रह गई काम वाम में। तो ना यहाँ पे अभी अब बहुत कम मिलते हैं। मैं और बबीता तो मिल जाते हैं कभी कभी, प्लान बनता है हम लोग आ भी जाते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। पर ये जो है ना ये बिल्कुल नहीं हम लोग से कांटेक्ट रखती है। तो ये मेंशन कर अच्छे से। ये दोनों मेरे से बड़ी है पर बोलते ना बुद्धि 5 पैसे की नहीं है इन लोगों में। हाँ ये मेंशन कर कि मेरी और तेरी तुम लोग से बात नहीं होती, इतना हम लोग मिल नहीं पाते। हम लोग बोलती है वीडियो में कविता से, मेरी बहन ये कविता है जिससे हमारी हफ्ते हफ्ते पर 10-10 दिन बात नहीं होती है। मेरी दीदी की तो डेली होती है, हम लोग डेली करते हैं और वीडियो कॉलिंग तो हमारा एक बार जाता ही है मम्मी से हमारे, बट ये हमसे अलग रहती है तो हम इसको ऐड नहीं करते। और इसका आना और ना आना हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता जो है वह वीडियो में बोलती सीधा सिंपल। कल का आपको ब्लॉग देखे होंगे बबीता आ जाइए क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बबीता ने फर्स्ट टाइम धोखा दिया है कि बोल के नहीं आ पाए, तो मेरा भी वो था रीजन था। तो कोई बात नहीं, चलिए मेन चीज हमारा मिलने का बिल कविता पे फटता है, सारा बिल कविता पे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बोली ना तू अभी, बट अभी हम लोग बोली ना तू अभी कि ये आए चाहे ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता, आई फर्क पड़ा तुझे? हाँ क्यों नहीं पड़ा? कांता बाई कांता बाई। अभी चलो अभी हम लोग, मैं रेडी होंगी, मेरा लुक बहुत दिखने वाला है अलग। सुनो ना मैं भी रेडी हो रही हूँ। अच्छा देखते अब हम तीनों कैसे दिख रहे हैं। अरे मुझे अच्छे से अभी ऐसे दिख रहे अभी, फिर कुछ टाइम बाद रेडी हो जाएंगे फिर उसका लुक देखना अलग। गप्पा नहीं मारना क्योंकि अभी बज गए 12:30 और चलिए फटाफट बना लेते हैं, मीटिंग से निकलेंगे तो फटाफट। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके हैं और सब लोग अपना अपना जो है काम बच्चे ने यहाँ पे सब टीवी रेडी है चुकी भाभी कविता बबीता सब लोग रेडी हो चुके हैं और सब लोग अपनी अपनी राखी और भैया गए थे ना मंदिर तो वहाँ से भाभी सारी चीजें हमारे लिए लेके आई है, तो ये सब सारी चीजें भाभी दे रही है। और ये राखी बबीता की है, मेरी है। चलिए फटाफट राखी बांध लेते हैं और भैया भी अभी रेडी हो रहे हैं। अब बल्डी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। चलिए सब लोग रेडी हो रहे हैं और मैंने पहना है साड़ी, सब लोग ने दे दिया मुझे धक्का। कोई बात नहीं मैं पहन के हैप्पी हूँ ना।
तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है रक्षाबंधन। पहले भैया को बैठा के हमने बैठा के पहले ऐसे कुर्सी पे रख बैठा दिया भैया को, और उसके बाद हम लोग अपना फ़ोटोशूट वगैरह करने लगे। और ये मंदिर देखिए कितने सुंदर से सजाया है ना भाई भैया भाभी ने। तो बच्चों के साथ थोड़ा फ़ोटोशूट हो रहा है, फिर उसके बाद भाभी को भैया को दोनों जन को बैठाया हमने और हमने स्टार्ट कर दिया रक्षाबंधन। और ना रक्षाबंधन से पहले ना थाली सजाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि ना राखी जो है ना, हम तो दो तीन बहनों की, फिर गोल्डी सॉफ्टी की दो दो, और भाभी ने वहाँ से मंदिर गए थे ना भैया, तो वहाँ पे भी सब लेके आए थे। तो यहाँ पे देखिए बहुत फास्ट से आप लोग को दिखा रही हूँ, पर हमारा रक्षाबंधन बहुत अच्छे से हुआ है। आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा गया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो लेट आ रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है ना जो हम वीडियो नहीं डाल पाते हैं, तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है। और यहाँ पे देखिए बबीता, और इसकी ना बहुत ज़्यादा मस्ती रहती है हर एक चीज़ में, ऐसा निकालो मेरा वैसा निकालो इसलिए। और फिर उसके बाद हमने बहुत सारा फ़ोटो शूट किया देखिए बच्चों के साथ, और ये ही हैं भाई बहन और हम भाई बहन बहुत ज़्यादा। और इंस्टा पे तो आप लोग को दिख ही गया होगा शॉर्ट वीडियो। अब आ गई बच्चों की बारी रक्षाबंधन करने की। और सच में ना रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है ना, बिना भाई बहन के ना जाने से होता ही नहीं है, या फिर ऐसे राखी भेज दो ये कर दो वो अलग फील होता है, पर अगर और बहन को जाना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी हर एक बहन को ना भाई के घर पे जाना चाहिए, वो मज़ा है ना अलग होता है। भाभी जो अपनी खातिरदारी करती जो भी अदरवाइज़ होता है ना बहुत अच्छा होता है। और सियांस के ना बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, मैं उनको बोल रही पैर पड़ो तो ज़मीन का पैर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है सियांस। और मिहिर मोनू यही तीन, और सच में बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा गया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पे गोल्डी है ना बांध नहीं पा रही थी, तो बच्चों का सब कविता ने बांधा। और राखी भी बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर भाभी लेके आई थी बच्चों के लिए। अब यहाँ पे आया मयंक की बारी। मयंक गोल्डी सॉफ्टी सब एक ही, एक साल के ही अंतर है दोनों में, पर ऐसे रहते हैं ना एकदम फ्रेंड्स के जैसे रहते हैं। और अगर मैं चली गई मम्मी चलो ना मैं इनका रहता ही है कि चलते हैं मामा किधर चलते हैं, बहुत ज़्यादा अलग फील होता है। और सच में ये तीन बच्चे ना कैसे बड़े हो गए ना पता ही नहीं चला, मोनू का गोल्डी का सॉफ्टी का। और जब भी मिलते हैं ना आप बिल्कुल फ्रेंड्स के जैसे रहते हैं, और इन लोगों का मुझे बिल्कुल टेंशन। और यहाँ पे कविता की हो रही है विदाई, कविता दे रही है पैसा बच्चों को। और ना कविता को जाना था, स्कूटी से आई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो हमने बोला आप जाओ घर पे, कविता को बोला नहीं तू जा हम लोग हैं। और भाभी भी गई थी मैं के राखी बांधने अपने भाई को, तो हम लोग घर पे ही थे जब तक भैया भाभी आएंगे नहीं। और सच में मैं नहीं जाने वाली हूँ, हर साल का यही है, जब भी भाभी जाती है तो हम घर छोड़ के भैया का नहीं जाते हैं जब तक भैया नहीं आते। हाँ मम्मी पापा रहते हैं तो बात अलग है, पर अभी घर पर कोई नहीं था। गोल्डी सॉफ्टी भैया भाभी सब लोग गए थे राखी बांधने भाभी के मैं के, तो इसलिए तो कविता की हो रही है विदाई। तो फ्रेंड कविता गई है, अभी हम लोग इतने लोग घर में हैं, हम चार लोग हैं अभी, मैं हूँ दीदी है और श्रेयांश मोनू है, और भैया भाभी अभी तक नहीं आया, अभी शाम के 7 बज गए, 7 बज गए, अभी हम लोग भी निकलेंगे, जब बस उनका इंतजार करें, जैसे ही वो लोग आएंगे वैसे हम निकलेंगे, फिर अभी घर में कोई है नहीं। और भगवान को दिया बत्ती भी शाम को हमने जला दिया है, पी ली हमने चाय, तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर, है ना। तो वीडियो मेरे भी चैनल पे देखने मिलेगा, ममता दीदी के भी चैनल पे, तो दीदी अपने चैनल का नाम प्लीज बता दे। मेरे चैनल का नाम है ममता विश्वकर्मा ब्लॉग्स, और आप लोगों को मेरे चैनल पे भी बहुत सारा अलग अलग देखने के मिलेगा। मैंने भी यहाँ का मॉर्निंग से लेके सारी चीजें शेयर की, बहुत अच्छा लगा। अभी हमारी मुलाकात तो हो गई, और रक्षाबंधन बहुत अच्छा से गया हम लोगों का। और आप लोगों को कैसे गया प्लीज़ बताइएगा, हम लोग इतने दिन के बाद मिले, मतलब हम लोग मई में आए थे और डायरेक्ट हम अगस्त में आए, हम लोग जल्दी मायके नहीं आ पाते। और हाँ, वीडियो में आपको देखने के लिए मिल गया होगा हमको रक्षाबंधन का गिफ्ट क्या मिला है, वो आप लोग को तो देखने को मिल ही जाएगा। हाँ ये मिल ही क्या जाएगा, हमको पैसे ही मिले हैं, वो सब हमने आपके साथ शेयर किया, पहले शेयर कर दिया पैसे, और भैया ने अक्सर हमको ज्यादातर पैसे ही देते, भैया का कहना मतलब अपने मनपसंद का आपको जो लेना है आप लोग,
तो ठीक है, हमको ये नहीं, बट हम इतने दिन बाद मिले अच्छा लगा रहा, और अच्छा मतलब बहुत अच्छे से गया। भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार है ये, और है ना, और भैया सही बोलो ना, हम लोगों की हमेशा बोलते हैं ना, रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है, रक्षा करना, तो हमारा भाई हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं, दुख सुख हर चीज में खड़े रहते, भगवान उनको और आगे बोलते ना उन्नति दे, और आगे जाए, वो खुश रहे, अपना उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, है ना भगवान, मैं तो यही बोलती हूँ। और ऐसा भाई सभी को मिले, तो हमें तो बहुत अच्छे मिले हमारे भाई। हम कल से आए हैं, कल से हमारा मुंह इतना चल रहा है ना खाने पीने को लेके, जैसे ना यहाँ पे मुंह बंद नहीं होता है, माइका है ना। और फिर शाम को भाभी भी लेके चली गई हम लोगों को, चलो आप लोगों को पानी पूरी। हम अपने अपने घर पे भी खाते हैं, पर जब यहाँ पे आके जो अलग प्यार मिलता है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा अलग होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। माइका मिस बहुत, हम अपने ससुराल में रहते तो कैसा ये है वो है करना, हम अपने उलझे रहते हैं, और यहाँ कैसा हम आते हैं अपने माइंड को फ्रेश हो जाता है, सबसे मिलते हैं, और यहाँ पे इतनी चिंता नहीं रहती है ना, तो बहुत अच्छा लगा। अभी कविता गई थी, अभी अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग बैठे हैं अभी तो, सबको दूर दूर ही हम रहते हैं, और इसके लिए भी टाइम लगेगा, और ये ट्रैफिक मुंबई की तो आप जानते हो तो बहुत ज्यादा रहती, तो इससे अच्छा कि सब अपने अपने टाइम पे निकल जाए, टाइम टाइम पे पहुंच जाए। तो अब इंतजार है, भैया जैसे और वैसे निकलेंगे, बट हमारा तो ये ब्लॉग बहुत अच्छा गया, आज का दिन भी बहुत अच्छा गया, और मुझे लगता है जितना आप हमको बनाने में और आप लोगों को बताने में खुशी, उतना आपको देखने में भी खुशी होगी। तो हमारा तो रक्षाबंधन इस तरीके से गया, जो आपके साथ मैंने पूरा ब्लॉग शूट किया है। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, वीडियो यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि घर पे जाते जाते तो मैं वीडियो लेने वाली नहीं हूँ, रास्ते में भी मैं वीडियो नहीं लेने वाली हूँ, तो इसके लिए वीडियो का यहीं पे एंड करूंगी, और आप लोगों को मिलूंगी मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बोलो, बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन, बाय बाय।